और भाई हमारे फेवरेट जॉनी डेप के जो ट्रायल चल रहा है, और अगर आप देख रहे हो रात को लाइव आता है तो अचानक से दिमाग पे आया कि ना जॉनी डेप की मूवियाँ भी सर्च मार ली जाए, तो एडवर्ड सीजर हैंड टिम बर्टन की फेमस मूवी और जॉनी डेप के साथ उनका कोलैबोरेशन, वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग एडवर्ड उनकी जिंदगी की, जॉनी डेप की स्टार्टिंग की मूवी, जिसमें कि वो एक ह्यूमनॉइड रहते हैं यानी कि एक रॉबोट, और उनके हाथ पे सीजर्स लगी हुई रहती है जिससे कि वो लोगों का ड्रेसअप करते हैं, और ये मूवी एक अलग ही लेवल पे चले जाती है धीरे 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 धीरे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी फेवरेट मूवीज़ के नाम बताइए जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। तो इन द हार्ट ऑफ द सी 2015 की मूवी वन ऑफ द बेस्ट लगी मुझे समुंदर देखने में, क्योंकि टॉम हॉवर्ड बहुत ही फाड़ू मूवियाँ बनाते हैं जब वो इस लेवल पर आ जाते हैं, और अगर आपने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखी है तो बस समझ जाइए। अगर आप स्टोरी के फैन हैं तो ये मूवी मॉबी डैक नाम की नॉवल से प्रेरित है और बहुत ही फाड़ू है। इसमें हमारे थॉर हैं और साथ ही साथ हमारे स्पाइडरमैन का भी छोटा सा रोल है। मूवी अपने सिनेमाटोग्राफी से लेके अपने बहुत ही फेमस समुंदर के जो इन्होंने विजुअल इफेक्ट्स दिखाए हैं बहुत ही बेस्ट लगे हैं मुझे। और अगर आप नॉवल में भी इंटरेस्टेड हो तो आप हमसे ही परचेस कर सकते हैं प्री लव्ड बुकें, जो कि हम बहुत ही कम प्राइजेस पे सेल करते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे जाके हमें मैसेज कर सकते हैं लिंक्स के थ्रू, और इंस्टाग्राम पे जाके आप हमें मैसेज में कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नंबर 7 पे मिला जोवाविच और साथ ही साथ हमारे क्रिंस हेम्सवर्थ यानी कि हमारे थॉर एक साथ एक मूवी पे, और 2008 की ये मूवी है अ परफेक्ट गेटअवे, यानी कि ये वाला जो आज का काउंटडाउन है ये सब चीज़ का मिक्सअप है। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, यानी कि थ्रिलर से लेके कॉमेडी, कॉमेडी से लेके रोमांटिक, रोमांटिक से लेके एक ऐसी मूवी जिसमें कि हम खो जाना चाहते हैं जंगलों में, और जंगल में जाके क्या होता है वहाँ पे इस कपल जो कि ये घूमने गया रहता है, दो अलग अलग कपल, वहाँ इनके बीच में अलग सी टेंशन का क्रिएशन छा जाता है, और वहाँ के जो विजुअल इफेक्ट दिखाए गए हैं वो हमारी आँखों को बहुत ही अच्छे लगते हैं, और आपको स्टोरी बांध के रखेगी अपने थ्रिलर से कि कब क्या हो जाए। और जंगल मूवी आपको समझ आई गई होगी कि एक थ्रिलर ही अपने आप में अलग सा रहता है, जंगल में घूमना, जंगल के ट्रेजर हंट का पता करना और क्या क्या मिलेगा उसमें। ये मूवी आपको काफ़ी हद तक, लेकिन ये एडल्ट वर्जन पे है यानी कि बड़ों के लिए, बच्चों के मतलब की नहीं है। इसमें वॉयलेंस काफ़ी हद तक है और इसमें सेक्सुअलिटी भी काफ़ी हद तक दिखाई हुई है। तो नंबर 6 पे जाने से पहले आपको जैसिका बैल के बारे में तो पता ही होगा। जैसिका बैल की दो मूवियाँ हमने आज के काउंटडाउन में डाली है, जिसमें से नंबर 6 पे है कैंप नोवेयर। तो कैंप नोवेयर जो है जैसिका एल्बा की फर्स्ट मूवी है, और स्टोरी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को समर कैंप पे भेजना चाहता है, पर बच्चे हो चुके हैं बोर, और जब ये आपस में डिसाइड करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को समर कैंप पे भेजना चाहता है, तो ये डिसाइड करते हैं कि भाई हम तो नहीं चाह रहे समर कैंप में, हम अपना खुद का समर कैंप बनाएंगे और वहाँ धूम मचाएंगे जहाँ ना ही कोई काउंसलर अलाउड है ना ही कोई पेरेंट्स अलाउड है। और इसके बाद ये मूवी देखने में बहुत ही अच्छी लगती है, कॉमेडी और उस ज़माने की। अगर आपको ओल्ड मूवीज़ पसंद है तो ये मूवी आपके लिए ही है कि 1990s के टाइम पे कैसी मूवियाँ बनती थी हॉलीवुड में। अगर आप पुरानी मूवीज़ को देखने का शौक़ रखते हैं, क्योंकि आज के डिजिटल और HD के ज़माने में पुरानी मूवियाँ सबको पसंद नहीं आती, तो मुझे तो पर्सनली ये मूवियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि हमने होम अलोन जैसी मूवियाँ देख देख के, जॉर्ज ऑफ द जंगल और पता नहीं ना जाने कैसी कैसी मूवियाँ, स्टुअर्ट लिटिल टाइप, तो ये मूवी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी अपने फैमिली से रिलेटेड और कॉमेडी जैनर से रिलेटेड। फैमिली के साथ आप इसे मस्ट वॉच कर सकते हैं, और इसमें कुछ भी ऐसा उटपटांग नहीं है, तो ये अपने टीचरों से रिवेंज लेते हैं, स्टोरी का सब प्लॉट ये है। नंबर 5 पे जैसिका एल्बा से लेके हमारे कैप्टन अमेरिका, हर दोनों एक्टर इससे पहले भी मार्वल में थे जिनके बारे में कोई खास बात नहीं करता, यानी कि फैंटास्टिक 4 पे। स्टोरी बहुत ही बेहतरीन है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और आपको इससे रिलेटेड कॉमिक्स अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये कॉमिक्स से बहुत ज़्यादा हैं। तो भाई मैं राज कॉमिक से बहुत पढ़ता था, और उसके बाद मुझे गौतम DC के बारे में पता चला, जो कि इंडिया में गौतम नाम से ही आती थी। 2000 के टाइम पे मैंने वो कॉमिक से बहुत पढ़ी, और अब वो विंटेज कलेक्शन में आ चुकी है, यानी कि मेरे पे वो 10 रुपये वाली कॉमिक से अभी भी प्रेजेंट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो बाय करने में तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फैंटास्टिक 4 का पहला पार्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। इसी के साथ नंबर 4 पे है सम काइंड ऑफ ब्यूटीफुल, अगेन सलमा हायक, पियर्स ब्रॉसनन और जैसिका एल्बा की ये मूवी है, जो कि आपको फील गुड कराती है। तो स्टोरी की अगर बात करूँ तो एक इंग्लिश प्रोफेसर है जो कि
दिन में प्रोफेसर और रात को बहुत ही ज़्यादा उसके रिलेशनशिप है फैंटेसी, और सलमा हायक उसकी एक 25 ईयर की गर्लफ्रेंड है। साथ ही साथ वो जब उसे बम फोड़ती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो लॉस एंजलिस उसके साथ रहने जाने के लिए तैयार हो जाता है। और धीरे धीरे यही चीज़ें इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी की तरह दिखाते हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर स्टोरी की बात करूँ तो स्टोरी में कोई इतना खास दम नहीं है, लेकिन अगर आप वन टाइम नॉर्मली कोई रिलैक्स मूवी देखना चाहते हैं और आप बहुत ही ज़्यादा हाई थ्रिलर को देख के पक चुके हो, तो ये मूवी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। कुछ टाइम के लिए आप रिलैक्स मोड में जाना चाहते हो और हल्की फुल्की कॉमेडी देखना चाहते हो, तो सलमा हायक की एक्टिंग, जैसिका एल्बा की एक्टिंग और पियर्स ब्रॉसनन की एक्टिंग वन ऑफ द बेस्ट लगेगी आपको इस सिचुएशनल कॉमेडी में, रोमांटिक ड्रामा से भरी हुई। नंबर 8 पे है क्लासिक हॉरर स्टोरी। अगर आप अमेरिकन हॉरर स्टोरी के मर्डर हाउस के फैन हैं, तो ये मूवी बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आने वाली है। रिचुअल्स, भूत प्रेत, जादू टोना तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ही अजीब और गरीब दुनिया में होने वाले रिचुअल्स, जब एक वैन में उनकी कैरावैन का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद वो जंगल के बीचों बीच फंस जाते हैं, तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है उस कहानी में, इस मूवी को देखना एकदम मस्ट है। और ये आपको बांध के रखेगा स्टोरी के एंड तक, वन ऑफ द बेस्ट हॉरर के जेनर में। और बहुत ही आउटस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट है इस मूवी का, जो कि देखते ही बनता है और हमारी बिल्कुल फाड़ के रख देता है एडल्टनेस में। मतलब हम कितने भी चाहे मैच्योर बन जाए, हिम्मत है तो इस मूवी को रात को देख के दिखाना और तब बताना कि कितने भयंकर एडल्ट हो तुम। तो नंबर 2 के साथ हम बढ़ जाते हैं अपने थ्रिलर नियो नोयर ऑप्शन की तरफ, यानी कि हमारे पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप एकदम थग लाइफ देखना चाहते हैं और अगर आपको गैंगस्टर मूवी पसंद है, द लॉस्ट डॉन, अगर आपने नॉवल पढ़ी हुई है, हमारे पास गॉडफादर हमारे पास भी अवेलेबल है। आप इंस्टाग्राम पे जाके अगेन मैंने पॉपुलैरिटी फैला दी, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं अपना बुक वाला बिजनेस भी इसके साथ मर्ज कर दूँ। तो आप इंस्टाग्राम से बुकें ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है। तो मूवी के टाइटल को देखते हुए आप क्राइम फिक्शन पे इंटरेस्टेड है, तो एक बंदा अपने मेंटोर के खून का बदला लेना चाहता है, पूरी की पूरी मूवी इसी पे सेट है। लेकिन जो सीक्वेंस है, जो बड़ी बड़ी बातें इस मूवी पे कर रखी है, यानी कि टॉकेटिव वाले जो सीन हैं और एडवर्ड नॉर्टन की जो एक्टिंग है भाई, वो वन ऑफ द बेस्ट है। एडवर्ड नॉर्टन अगर आपको पता ही नहीं कौन है, तो भाई अगर किसी ने हल्क मूवी देखी है, द इनक्रेडिबल हल्क, तो उसका जो हल्क कैरेक्टर प्ले किया था वो एडवर्ड नॉर्टन ने किया था, वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग लगी थी मुझे उस मूवी के बाद। उसके बाद मार्क रफेलो ने टेक ओवर कर दिया था हल्क को और सब कन्फ्यूज़ हो गया था एवेंजर में ये कौन सा हल्क है, ठीक है। तो कहानी धीरे धीरे बढ़ती है और इसी के साथ ये वन ऑफ द बेस्ट है अगर आप देखना चाहते हो इसे क्लासिकल जेनर के अंदर। कमियों की बात करूँ तो भाई मूवी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, लेंथी लगेगी आपको आजकल के ज़माने की तरफ से। हम एक घंटा भी नहीं सह पा रहे और ये इतनी बड़ी बड़ी मूवियाँ बना डाले डिटेलिंग के चक्कर में, और ये डिटेलिंग भले ऑडियंस को पसंद आए ना आए, इनको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। तो मूवी में है गैरी ओल्डमैन और जेसिका एल्बा। गैरी ओल्डमैन मुझे पहले से ही पसंद था, जब से मैंने हैरी पॉटर का सीरियस ब्लैक कैरेक्टर देखा था, और उस टाइम पे मैं नूब था, यानी कि मैं ड्रैकुला ऑलरेडी देख चुका था, और मुझे बाद में पता चला कि जो ड्रैकुला का इतना फाड़ कैरेक्टर निभाया है वो भी हमारे गैरी ओल्डमैन ने ही निभाया है। मूवी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, थ्रिलर से भरी हुई है और खून खराबा इसमें भर भर के है, यानी कि अलग अलग कैरेक्टर एक ही रूम के अंदर आ जाते हैं और सारे के सारे किलर हैं, तो ये किलर अब एक दूसरे को कैसे किलर की तरह मारेंगे, यही इस मूवी में फुल ऑन एक्शन के साथ दिखाया गया है। 2019 में ये मूवी रिलीज हुई है। और तो फिर इसी के साथ आज का काउंटडाउन होता है ख़त्म, टाटा बाय बाय, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक भी मार ही दीजिए।